हरियाणा में वायु प्रदूषण का प्रकोप जारी। हरियाणा का AQI खराब स्तर पर बना हुआ है। गुरुग्राम के क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 239 पर रहा, फरीदाबाद की बात करें 154, हिसार का 156 AQI रहा के। वहीं नारनौल की बात कर ले 101, पंचकुला का 275 AQI दर्ज किया गया, पलवल में 102, पानीपत का 184, रोहतक में 198, बहादुरगढ़ में सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 314 दर्ज किया गया के। सोनीपत में AQI 290, भिवानी में 277, हरियाणा का AQI खराब स्तर पर बना हुआ के। रविवार 10 नवंबर की अगर हम सुबह की बात करें तो 8 बजे गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 दर्ज किया गया। इसके अलावा फरीदाबाद का 154, हिसार का 156, नारनौल का 101, पंचकुला का 275, पलवल का 102, पानीपत का 184, रोहतक में AQI 196, हरियाणा का अधिकतम तापमान अगर हम देखें तो 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और खास बात यह है कि हरियाणा में वो इलाके जो दिल्ली NCR में पड़ते हैं वहां पर AQI लेवल ज्यादा खराब है। AQI लेवल खराब होने की स्थिति लगातार देखी जा रही है। तो वहीं हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI लेवल, चाहे आप कैथल की बात कीजिए, हिसार की बात कीजिए, यहां पर पहले भी AQI लेवल इसी तरह से खराब दर्ज किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने का सीधा असर जनजीवन पर पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। वो लोग जो पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। इसके अलावा बड़े बुजुर्गों को परेशानी, बच्चों को परेशानी और ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि उन्हें इस हवा में सांस लेने से कोई परेशानी नहीं है, ये हवा आपके फेफड़ों के लिए बेहद घातक है। ये आने वाले समय में आपको बीमार बना सकती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें, सतर्कता बरतें। तो वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक जिस तरह से गिर रहा है, हर इंसान को, हर नागरिक को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। कूड़ा ना जलाएं, पराली ना जलाएं, इसके लिए किसानों को जागरूक पहले से किया जा रहा है। तो लगातार देखिए वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, AQI लेवल खराब श्रेणी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी पेश आ रही है। तो लगातार देखिए AQI लेवल हरियाणा में भी खराब हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से खराब श्रेणी की तरफ जा रहा है, खराब से खराब श्रेणी की तरफ बढ़ रहा है, सीधा असर जनजीवन पर पड़ रहा है। बेहद घातक ये हवा, क्योंकि इसमें जहरीले रसायन हैं और ये जहरीले रसायन किसी के लिए भी घातक हैं। ज्यादा घातक उन लोगों के लिए हैं, या ये कह सकते हैं नुकसान का आकलन बीमार लोगों में ज्यादा जल्दी हो पा रहा है, क्योंकि उन्हें पहले से ही बीमारियां हैं। ऐसे में उन पर इसका ज्यादा असर है। ये हवा हर किसी के लिए घातक है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल राठी और करण जयसिंह का, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल अनिल आपसे रहेगा, जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स हम देख रहे हैं कि दिल्ली NCR में ज्यादा खराब हो रहा है, क्या इसका जनजीवन पर असर देखने को मिल रहा है? क्या ये भी हम प्रयास देख पा रहे हैं प्रशासन का कि लोगों को जागरूक किया जाए? जी बिल्कुल आरती, देखिए बात करी जाए फरीदाबाद और दिल्ली NCR की, तो हालांकि दिल्ली NCR में जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद ही जो है वो खराब है, और काफी बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों को सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश, और जो है वो कहीं ना कहीं आंखों में जलन हो रही है। फिलहाल फरीदाबाद की बात करी जाए, देखिए पिछले साल की अपेक्षा जो है वो इस बार फरीदाबाद में कुछ न कुछ राहत है। हालांकि आज जो है वो हाइएस्ट कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी जो खराब है वो 190 के आसपास फरीदाबाद की दर्ज की गई है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हाल था तो वो लगातार कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ था। और इसको लेकर के जिला प्रशासन की बात कर जाए, चाहे फिर जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर जाए, सभी ने जो है वो कवायद कसी हुई है। लगातार जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो कह सकते हैं कि बाकायदा नजर रखी जा रही है कि आखिरकार कहीं पर भी कोई पोल्यूशन ना फैल रहा हो, कोई आगजनी की घटना ना हो रही हो। कई जैसे कबाड़े में आग लगा देते हैं तो वो चीज भी बकायदा जो कह सकते हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो उस पर निगरानी रख रहा है, और जहां पर भी यदि वो चिन्हित होती है कि इस एरिया में जो है वो पराली जलाई जा रही है या इस एरिया में जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं पॉल्यूशन हो रहा है, तो वहां पर जाकर के स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है। स्थानीय पुलिस के साथ जो है वो मौके पर पहुंच के कार्रवाई भी की जाती है। तो कहीं कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से जो वायु गुणवत्ता खराब हो रही थी तो उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरे तरीके से सख्त है, मुस्तैद है, और कहीं ना कहीं
जो फिलहाल अब की बात कर जाए तो अब फरीदाबाद में कुछ राहत जरूर हम महसूस कर पा रहे हैं पिछले साल की उपेक्षा। तो पिछले साल की उपेक्षा कुछ राहत यहाँ फरीदाबाद में देखने को मिल रही है। गुरुग्राम का भी हालात देख लेते हैं। अच्छा करण, गुरुग्राम में स्थिति ये देखने को मिल रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो रहा है। दिल्ली एनसीआर का इलाका है, इसका प्रभाव है या फिर ये कह सकते हैं कि गुरुग्राम में भी बहुत ज्यादा प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा है, एक तो जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पर भी उद्योग धंधे हैं, क्या ये प्रभाव नजर आता है? आरती देखिए, एनसीआर का हिस्सा है गुरुग्राम और जब भी प्रदूषण बढ़ता है तो उसका असर एनसीआर पर पड़ता है। ना ही सिर्फ गुरुग्राम बल्कि गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और तमाम जो एनसीआर से सटे हुए जिले हैं वहां पर प्रदूषण का असर देखने को मिलता है। और ये कोई इस साल की समस्या नहीं है, ये समस्या कई साल से बनी हुई है और बल्कि साल दर साल ये समस्या बड़ी होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है। तमाम तरह के प्रयास जरूर किए जाते हैं इस प्रदूषण को कम करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी प्रयास जो है वो कारगर साबित नहीं हुआ है। चाहे वो ग्रैप की अगर बात करें, क्योंकि ग्रैप के चार चरण हैं, जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है एक के बाद एक जो तमाम चरण है उसको लागू किया जाता है। फिलहाल अगर बात करूं तो ग्रैप दो को लागू किया गया है, लेकिन प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ग्रैप तीन को भी लागू जल्द किया जा सकता है, यानी कि पाबंदियां जो है वो ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली में कहीं जगह 400 को पार कर गया है। गुरुग्राम की अगर खासतौर पर बात करूं तो गुरुग्राम में आज के दिन, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, रविवार है, इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से कम दर्ज किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले कल की बात करूं, एक दिन पहले की बात करूं तो 350 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गुरुग्राम में दर्ज किया जा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो लोगों के सामने हैं और हर साल लोग इसी परेशानियों का सामना करते हैं। प्रदूषण के कारण ना ही सिर्फ स्वास्थ्य पर असर पड़ता है बल्कि जनजीवन जो है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को ये कहते हैं कि आप अगर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कर रहे हैं तो आप कुछ समय के लिए उसको बंद कर दें, और अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें। खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनका ध्यान रखें, क्योंकि प्रदूषण का असर जो है उनके स्वास्थ्य पर गंभीर पड़ता हुआ असर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की जीवन पर इसका असर पड़ता है। आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, जो दमा के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, उनके लिए बेहद परेशानी होती है इस प्रदूषण के कारण। लेकिन सवाल ये है आरती कि आखिरकार इसका ठोस जो समाधान है वो कब तक निकल कर सामने आएगा, क्योंकि हर साल इसी तरह की समस्या बनती है, हर साल तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाती है लेकिन प्रदूषण का स्तर ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अब जो सर्दियां हैं उसका आहट जो है वो नजर आ रही है। जो टेम्परेचर है, जैसे ही वो टेम्परेचर में गिरावट दर्ज होगी वैसे ही प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा। हम देख रहे हैं कि अब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है और जैसे ही धीरे धीरे घटेगा उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं परेशानी बड़ी है और ठोस कदम जो है वो इसको लेकर उठाने जाने चाहिए। बिल्कुल, तो ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत नजर आती है। अच्छा अनिल, देखिए जहां तक हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है कि पूरे हरियाणा में ही वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इक्वाई लेवल खराब श्रेणी में जा रहा है। हालांकि देखिए, हो सकता है कुछ इलाकों में हालात उतने बुरे नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि फरीदाबाद में किसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? फरीदाबाद शहर की बात कर लीजिए, आसपास के इलाकों की बात कर लीजिए। जी आरती, देखिए फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद में उमन देखा जाता है कि पराली जलाने के मामले जो है वो काफी कम जो है वो आते हैं, क्योंकि जो है वो कृषि क्षेत्र जितना है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक या तो सकता ही इसमें काफी यहाँ पे फरीदाबाद के जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से बरती जाती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो पराली के मामले हैं वो अत्यधिक यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। वो इक्का दुक्का छुट्टी मुट्टी जो है वो इस तरीके की वारदातें सामने आती हैं, जिसके ऊपर जो है वो पलवल कह सकते हैं कि दिल्ली फरीदाबाद से लगता पलवल एरिया है जहां से वो वारदातें आती हैं, तो उसमें कार्रवाई की जाती है। वहीं साथ ही साथ देखिए, क्योंकि औद्योगिक नगरी है फरीदाबाद और एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे उद्योग भी जो है वो पूरे विश्व के अंदर यहाँ फरीदाबाद इसी मामले में जो है वो विख्यात है कि एक औद्योगिक नगरी के नाम से जो है वो इसका नाम जाना जाता है। तो इसको लेकर के कह सकते हैं कि सख्त हिदायत जो कंपनी जितने भी संचालन करते हैं उन सभी को जो है वो जैसे ही जो पॉल्यूशन खराब होता है, पॉल्यूशन की गुणवत्ता जो है वो यहाँ पे खराब होती है, तो उसको तुरंत प्रभाव से जो है वो यहाँ पे फरीदाबाद जिला प्रशासन की तरफ से लागू कर दिया जाता है, ताकि किसी भी तरीके से जो है वो पॉल्यूशन ज्यादा खराब ना हो सके। तो उसको लेकर के देखिए, लगातार जो है वो चाहे वो कंपनियों को नोटिस की बात हो, कंपनियों के अंदर जो पाबंदियां होती हैं, जिस तरीके से जो जो पाबंदियां पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लागू की जाती हैं, तमाम
पाबंदियां जो है वो कंपनियों के ऊपर लगा दी जाती हैं, और यदि कंपनी मालिक या कंपनी संचालक जो है वो उन पाबंदियों की पालना नहीं करता तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। जी अच्छा करण, आपके यहाँ पर देखिए लगातार देखा जा रहा है कि गुरुग्राम में पाबंदियों का भी फिलहाल कोई असर नहीं है, लगातार एक्यूआई लेवल बिगड़ ही रहा है, फिलहाल क्या कमोबेश स्थिति नजर आती है, कौन से इलाके हैं जो ज्यादा इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रहे हैं? इलाका है जो सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स की मार झेल रहा है, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 380-390 को भी टच कर गया है। बंदवाड़ी ऐसा इलाका है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी लाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये वो ऐसे इलाके हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं और इसलिए इसका असर यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रदूषण बढ़ने के कई कारण है आरती, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे वो गाड़ी से निकलने वाला धुआं हो, पराली जलाना हो, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार कब दिल्ली एनसीआर वासियों को इस बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलेगी, क्योंकि हर साल ये समस्या सामने आती है। हर साल जैसे ही दिवाली के आसपास का समय आता है प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होती है, तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई जाती है, और पाबंदियां लगने के बावजूद भी प्रदूषण का स्तर जो है वो नीचे नहीं आता है, क्योंकि कारण जो है वो कई है। अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि प्रदूषण जो है वो दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए ना ही सिर्फ समस्या का सबब बन चुका है बल्कि उनके जनजीवन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। अब आप देखिए कि अगर बच्चे सुबह खेलने के लिए जाते हैं पार्क में और शाम में भी खेलने के लिए जाते हैं और उनको अगर मना कर दिया जाए, बुजुर्गों को अगर मना कर दिया जाए, तो साफ तौर पर इसका असर जनजीवन पर जरूर पड़ता है। लोगों से ये भी कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि अगर आप घर से बाहर आपको निकलना है तो मास्क का उपयोग करें, और वैसे घर से बाहर निकलने से आप बचें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि इसका असर पड़ता है फेफड़ों पर, इसका असर खास तौर पर देखने को मिलता है, तो बीमारियां भी बढ़ती हैं। इसलिए सवाल यही है कि आखिरकार कब दिल्ली एनसीआर वासियों को इस बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलेगी, कब कुछ ऐसी समाधान निकलेगा जो स्थायी समाधान रहे प्रदूषण का, ना ही सिर्फ ग्रैब बल्कि और पाबंदियां भी लगाई जाएं ताकि इस प्रदूषण से राहत मिल सके लोगों को। जी चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, अनिल आपका भी और साथ ही साथ करण आपका भी।